मन राधे 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 गोविंदा। अभी पीछे एक का चश्मा उठा दिया, यहाँ पे भाई का गमछा उठा दिया। गमछा किसका, आपका लेगा क्या? ऊपर से ले गया ना। वाह अबे यार, तेरी आंखों के मतवाले गागर को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और राधे राधे। फिलहाल यहाँ पे ज़्यादातर राधे राधे ही बोलते थे, हम भी राधे राधे बोल रहे हैं। और मैंने फिलहाल अभी चेकआउट तो कर दिया है और अभी बज रहे हैं 8:30। मैं जा रहा हूँ सीधा वृंदावन। और वृंदावन के लिए भैया, वृंदावन के लिए कहाँ से मिल जाएगी, यहीं से मिल जाएगी भाई। सुबह सुबह की रिक्शा ले ली हमने यार, बिना माइक के ना दिक्कत होगी, आवाज़ सही नहीं आएगी। खैर कोई बात नहीं, चलेगा थोड़ा बहुत तो। भाई ये तैयारी चल रही है, अभी ये बना है वैसे। तो भाई मुझे इस वाले चौराहे पे उतार दे, पता नहीं क्या नाम है इसका। बोला आगे जो पुल है ना, इसे क्रॉस करते ही बस मिल जाएगी मुझे। देखते हैं मिलती नहीं मिलती। सुबह सुबह का ट्रैफिक लग गया है भाई यहीं पे। फिलहाल वृंदावन में आ गए हैं, हम जा रहे हैं अब प्रेम मंदिर। थारे भाई ने बना रही है लिस्ट, सबसे पहले जा रहे हैं बाके बिहारी। लिस्ट बनानी बहुत जरूरी यार, वरना ऐसे भटकते रहोगे, कौन सा मंदिर कब जाना है समझ में नहीं आता। भीड़ देख रहा हूँ कितनी हो रही है। अब यहाँ से शेयरिंग रिक्शा देख रहा हूँ मैं, मिल जाए तो यार। तो अभी जा रहे हैं हम भाई बाके बिहारी मंदिर, यहाँ से पड़ता है 1 किलोमीटर। और पीछे से बताना भूल गया मैं, ये प्रेम मंदिर के पास ही पड़ता है यार। लेकिन प्रेम मंदिर हम जाएंगे सबसे लास्ट में, अभी पहले इस मंदिर पे जा रहे हैं। उसके बाद मेरे पास दूसरा मंदिर है, 6 मंदिर घूमने मुझे, 6 मंदिर। मतलब आप ऐसे रास्ते को भी आ सकते, कच्चा रास्ता मिल जाएगा रास्ते में। बस थोड़ी सी दूर और बचा है। भैया का चश्मा लेके चढ़ गया था बंदर ऊपर, चश्मा भी तोड़ दिया यार। भाई यहाँ के बंदरों से बच के चलना पड़ेगा, मेरा फोन छीन ले मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं खाने के लिए। अभी पीछे एक का चश्मा उठा दिया, यहाँ पे भाई का गमछा उठा दिया। गमछा किसका, आपका लेगा क्या? ऊपर से ले गया ना। वाह अबे यार, उसको भी पता है खाने को मिलेगा। अरे ले गया। भाई मंदिर आ गए फाइनली, अब बस पास में ही है। चश्मा उतार के रखना पड़ा क्योंकि भाई यहाँ पे ना बंदर कुछ भी नहीं छोड़ रहे। और फोन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, फोन ले लिया तो मेरा पूरा वाट लग जाएगी। ये देखो भाई, बहुत शातिर बंदर हो रहे हैं यहाँ के, बहुत ही ज्यादा। ये भाई राधा बल्लभ जी का मंदिर, जो कि बहुत पुराना है। इसके साइड में नया मंदिर बना हुआ है। और यहाँ तुम देखोगे ना, इतना पुराना है कि तुम खुद ही आइडिया लगा सकते हो, 4-5 हज़ार साल तो पुराना होगा ये। डिजाइनिंग देख रहे हो कितनी प्यारी डिजाइनिंग कर रखी है, ये देखो सब पत्थर की है। चलो भाई चलो, भीड़ बढ़ने लगी। अच्छा हो सुबह आ गए हम, अब ठीक है। अब मुझे जाना दूसरे मंदिर, 2 मंदिर के दर्शन हो गए, तीसरा मंदिर देखना आप काम पे। मैं थक गया। तो भाई अब हम जा रहे हैं निधिवन, यानी कि 2 मंदिर हो गए, राधा बल्लभ जी का मंदिर हो गया और बाके बिहारी जी का मंदिर हो गया। इधर वैसे 2-4 मंदिर पड़ते हैं, लेकिन मैं निधि वन ही जाऊंगा, ये मेरे पास में पड़ेगा, फिर उसके बाद आके शीश महल। तो अभी प्लानिंग चल रही है वैसे। और ये जन्माष्टमी की वजह से भीड़ भी ज़्यादा हो गई है भाई। जहाँ से बाके बिहारी मंदिर के लिए जाते हैं वहीं से राइट हैंड को मुड़ते हैं ना, वैसे तो बोर्ड पे लिखा रहता है, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अभी हम गौतम पारा की गलियों में घूम रहे, इधर से ही निधि वन के लिए जाया जाता है।
बहुत ही अद्भुत है भाई, ऊपर की साफ सफाई भले नहीं हुई। भाई यहाँ की बनावट देख के तो भाई मन प्रसन्न हो गया एकदम, आप भी देख लो। लेकिन बंदरों का आक्रमण इतना ज्यादा है ना कि भक्तों के दिलों में दहशत बचा रखी है, और वहाँ पे वीडियो शूट हो रही है। खैर देख लो आप लोग, अंदर भी दर्शन करने चल रहे हैं अभी, उसके बाद चलेंगे निरीवन सीधा। इस बार फिर किसी का छीन लिया, क्या छीनना इस बार? पर्स नहीं, फोन। भाई बोले वो बैठा बीच में, भाई ऊपर वाले ने चश्मा छीनना, नीचे वाले ने फोन छीनना है। और मैं अपना चश्मा उतार लूं, ध्यान रखना पड़ेगा भाई बहुत ज्यादा। तोड़ दिया भाई चश्मा, तोड़ दिया भाई। एक का जूता ले गया वहाँ पे, वो बैठा आराम से मास्क। भाई किसका जूता ले गया? पिन भाई का जूता ले गया यार। ओ भाई जूता ले गया, 1400 रुपए का जूता ले गया, नया लाए थे। कोई बात नहीं, चढ़ावा मान लो। भाई बड़ा ही केस हो गया भयंकर यहाँ तो, खतरनाक। किसी का फोन, किसी का जूता, किसी का चश्मा। पैसे ध्यान ज्यादा रखना पड़ रहा है, मैंने तो चश्मा लगाया नहीं बहुत देर से, और फोन का ध्यान तो बहुत ही ज्यादा रखना पड़ रहा है। अब जा रहे हैं हम निधिवन, ये मंदिर था दाऊ जी का, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भैया थे, उनका मंदिर था। यहाँ की होगी विजिट, अब यहाँ से बाहर निकलते ही राइट हैंड पे पड़ जाएगा निधिवन। एक प्रवेश द्वार से होके दूसरे प्रवेश द्वार में जाना पड़ रहा है। बाबा भड़क गए थे भाई चप्पल को देख के। सही है भाई, ये मस्त है, एकदम बढ़िया बना रखा है। इसमें चारों तरफ आपको तुलसी के पेड़ देखने को मिलेंगे, जो भाई अभी बता रहा था पीछे 100-100 रुपए में आपको कोई भी बता दे रहा है। लिया बात। ये नीचे भाई कुआं, लेकिन जाने का रास्ता बंद कर रखा है। भाई अंदर की साफ सफाई देखो कितनी अच्छे से कर रखी है, मतलब प्रतिदिन साफ सफाई होती होगी। चलते रहो भाई, वाकई बहुत भीड़ है, थक गया मैं तो आधे ज्यादा अपने बैग से ही थक गया यार, इतना भारी हो रखा है। रक्षाबंधन की सारी राखी मुझे लग रहा है सब इस पे ही बांध दी है। भाई एक फिर से ले लिया चश्मे, जो खींच रहे सबके वो पीछे रख दिया उसने इस बार। भाग गया उठा सकते हो, और ज़्यादातर नज़र वाले चश्मे मिल गया भाई। चलो इनका तो जल्दी मिल गया, वरना ज़्यादातर चश्मे तोड़ देते हैं। एक ही बैठा है यहाँ पे, ये भी टॉप में लग रहा है किसी का चश्मा उठाने की। आज सबकी चप्पल बंद है क्या अंदर? अब वृंदावन बिना चप्पल के घूमो, चप्पल सबकी बंद होगी भाई अंदर, सब लोग ऐसे ही बैठे हैं बिना चप्पल के, बेचारों की चप्पल पता नहीं कब तक मिलेगी इनकी। ये सबसे गलत बात है यार। भाई जब तक मंदिर खुलते हैं ना, खाना पीना खाओ और रेस्ट मारो, उसके बाद चलेंगे सीधा। इधर से जाऊंगा मैं रंग महल और शीश महल दोनों एक ही नाम है, बस वो रह गया मेरा विजिट करने से। भाई अभी हम नंगे बहरी रंग महल की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि चप्पल तो 4 बजे के बाद ही मिलेगी, मंदिर में बंद हो गई है। अब देखते हैं कितनी देर, उधर से आराम से रुक के आएंगे शाम के टाइम, फिर प्रेम मंदिर वहीं से विजिट कर लेंगे। अंदर गिर गया, अंदर। भाई इतनी कड़क धूप में भी नंगे पैर चला जा रहा है, और 4:45 बजे खुला है मंदिर का दरबार, रंग महल फाइनली खुलता गया 3 घंटे वेट कराने के बाद। आइए आपको रंग महल के दर्शन कराते हैं, बहुत खतरनाक होने वाला है सीन। एंट्री गेट, भाई अगर यहाँ आते हो ना हमेशा 4 बजे ही आओ, ज्यादा बढ़िया है। एंट्री गेट पे भीड़ देख लो कितनी हो रही है।
अपने पास भाई तीन टिकट, लीलाघर, शीश महल और वाहन घर। तो सबसे पहले है लीलाघर, ये वाला। फाइनली भाई लीलाघर के दर्शन हो गए हैं, अब उसका गेट खुलने वाला, तब अंदर जाएंगे। चलो भाई वाहन घर देखने चल रहे, तब तक फिर इसके अंदर एंटर कर लेंगे, मजा आएगा थोड़ा सा। या उधर से भी जा सकते हो, उधर से जाके देख। भाई यहाँ की बनावट इतनी शानदार है ना कि मस्त देखते ही मन भर जा रहा है भाई, इतनी अमेजिंग, इतनी सुंदरता। ये देखो, ये तो बाहर के पिलर है, अभी मंदिर के अंदर में गया भी नहीं, जो कि इतना अमेजिंग लगता है ना देखने में। ये पीछे जो है मंदिर का गेट है, पीछे का, फ्रंट वाले में बहुत भीड़ थी तो मैं घूमता घूमता पीछे की तरफ आ गया था। तो अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं, देख रहे हो कितना अमेजिंग है भाई, नीचे रंगोली वगैरह भी सब। मतलब यहाँ पे ना इनकी नृत्य वगैरह की क्लास भी चला सकते हैं, डांस वांस भी कर सकते हो, यहाँ पे इतना अमेजिंग बना रखा, चारों तरफ पिलर पिलर है। वाहन घर में इतना कुछ खास देखने को मिला नहीं है, अब शीश महल की बारी, उसमें चलते हैं। दो हो गए भाई, और पूरा बाहर से तो पूरा भ्रमण कर लिया है, चक्कर भी मार दिया है, अब अंदर जाऊंगा लास्ट टाइम पे। इससे बड़ा दर्द यहाँ पे रखा है, इतना बड़ा, मस्त भी लग रहा है देखने में। मंदिर के अंदर एंटर कर लिए, और ये जो सामने खंभा दिख रहा है ना, सोने का है, सोने का ही बताया जाता भाई, चमक भी रहा है, देखो वीडियो में चमक रहा होगा आपको, अलग ही रोशनी पड़ रही है इसकी। भाई भीड़ का तो अनुमान लगा ही सकते हो कितनी भीड़ हो रही है, एक तरफ से जा रही है, एक तरफ से निकल रही है, कुछ लोग वेटिंग में भी खड़े हैं। फाइनली लास्ट वाले में आ गए, शीश महल। भाई ये तो मजेदार है, और इसमें तो मेरी शक्ल भी दिख गई, ऐसा लगा था तीन दिनों से ना आया, सुबह ही ना आया यार, रंग महल और शीश महल, और भाई जो भी मतलब इसमें तीन चार जगह थी सारा घूम लिया है, अब चल रहा हूँ सीधा प्रेम नगर, प्रेम मंदिर, प्रेम नगर का नाम याद आया था, प्रेम मंदिर जाएंगे सीधा, और मेरी हालत पूरी खराब हो गई है, और अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि रुकना कहाँ है रात में, वहीं देखेंगे आराम से, पहले प्रेम मंदिर देख लेते हैं, फिर आराम से कमरा ढूंढेंगे, वहीं पे रुकेंगे। मेरी कल की वीडियो भी अभी तक अपलोड नहीं हुई है, दो लड़के मिले थे दिल्ली वाले, उनका भी नहीं पता कहाँ है भाई। चलो निकलते हैं, एक तो मेरा माइक खराब हो गया, बड़ी दिक्कत हो रही है, इतनी तेज बोलना पड़ता है फिर मुझे। फाइनली भाई बड़ी मुश्किलों बाद चप्पल मिल गई है, बड़ा सुकून आ रहा भाई एकदम, आधे दिन के बाद पूरी, और मेरे तो पैर ही दर्द करने लग गए थे। देख लो भाई कितनी भीड़ हो रही है, पता है सर आप कहाँ से आ रखे हो? महाराष्ट्र। इतनी दूर से आ रखे हो आप? अच्छा, भाई सुबह से धूप निकली, निकल अभी निकल के, अभी इतना लंबा सफर जाना मेरे को, प्रेम मंदिर लास्ट, कोई रिक्शा भी नहीं मिलती यार यहाँ से, कोई रिक्शा चली जाए ना, कोई मजा ही आ जाए।
चश्मा लगा नहीं सकते वरना बंदा उठा के भाग जाएगा तुरंत ही। अरे पंडित जी बटा लो यार, कोई तो बटा के ले जाओ मुझे। तो भाई 20 रुपए की रिक्शा पकड़ के निकल पड़े प्रेम मंदिर के लिए, लेकिन भाई जी हमें पहले ही तोड़ उतार देंगे। अब देखते हैं कितना और टाइम लगता। अभी टाइम बच गया होंगे 5:30 प्लस हो गया होगा, 5:30 बज गए क्या डेमोरा भाई आपका, मुझे लग रहा है टाइम आ रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं कितना टाइम लगता, वरना तो रूम में लेके यहीं रुकना पड़ेगा आज। भाई 200 मीटर बता के ना 1 किलोमीटर पैदल ही उतार दिया बंदे ने। अब यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है। अब देखते कितनी दूर जाना पड़ेगा यार, अभी 10 मिनट तो होगी चलते। हाँ अभी तक आया नहीं। और यहाँ का पानी में बड़ा ही चेंज है, अच्छा नहीं लग रहा पीने का, अपने यहाँ का जैसा है ना वैसा नहीं लग रहा। तो लो जी पेश है प्रेम मंदिर, सामने लग रहा है बोर्ड। अब हमें यहीं से जाना है, देखो कितना मस्त व्यू आ रहा, सूर्यदेव के पीछे है आगे, सूर्यदेव पीछे आगे इसके, और भी सुंदर लग रहा है। लो भाई हम भी पहुँच ही गए इतनी मेहनत करने के बाद। ये रहा प्रेम मंदिर और ये रहा इसका जाने का रास्ता, और हमें जगह दी जाए। हटिए सर हट जाओ, मुझे जाना है निकास ये तो अब एंट्री। अच्छा एंट्री गेट हो रहा, चलो 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 हटो हटो हटो। ओके 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 हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, भीड़ देख रहे हो कितनी हो रही बाहर, अभी बेचारे अंदर भी नहीं गए। राधे राधे अपने भाई, समस्या होगी बैग अंदर नहीं ले जा सकते, बैग रखना पड़ेगा, देखते कहाँ रखते हैं। रखना भैया हट जाओ हट जाओ हट जाओ भाई, ये जितनी भीड़ हो रही है ना सब बैग 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 सब बैग यहीं रखे जा रहे हैं। मेरे बैग के 50 रुपए, उसमें लैपटॉप था ना इसीलिए। खैर अब कंधा फ्री फ्री हो गया। वैसे अच्छी बात ये है कि बहुत सभी लोग बैग यहीं रख रहे हैं, सेफ जगह है इसलिए मैंने रख दिया, वरना मैं नहीं रखूंगा भाई। अब चले जाएंगे आराम से मंदिर में, देख रहे हो कितनी भीड़ हो रही। फाइनली एंट्री होगी भाई, इतनी भीड़ आ रही इसमें से निकल के, इतनी आ रही भाई, कितनी आ रही। राधे राधे। और यहाँ का देखो आप नजारे कितने प्यारे हैं भाई, एक नंबर आ रहा है। Thank you.
भाई बैग मिल गया, अब रूम की व्यवस्था कर ली जाए। रूम देखता हूँ मथुरा जाओ या यहाँ पे लेता हूँ, बड़ी दिक्कत होगी भाई। पैर इतने दुख गए, इतने दुख गए, दर्द होने लगा बहुत ज्यादा। चलो भाई वीडियो कल से लगा रखी अपलोडिंग के लिए, अभी तक 27% ही अपलोड हुई है क्योंकि नेटवर्क ही नहीं मिल पा रही ना यहाँ पर। तो आज मैं रुकाऊँ यहीं पे, अपना 200 रुपए का चार्ज लगाया क्योंकि पैर हाथ इतने दर्द करने लगे थे ना, तो भाई इधर ही रुकना पड़ा मुझे। और कल यहीं से उठेंगे और कल यहीं घूमेंगे वृंदावन, अभी पूरा नहीं हुआ ना, तो कल और घूमना है। कल घूम के आराम से निकले क्योंकि कल है भाई बहुत भीड़, 7 तारीख है ना कल, तो 7 तारीख कल जन्माष्टमी और प्रेम मंदिर में इतना मजा आने वाला कल बहुत ही ज़्यादा। तो फिलहाल आज यहीं पर रुक गए हैं, तो इसलिए जाने का भी मन नहीं कर रहा और पैर हाथ भी बहुत दुख रहे थे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। राधे राधे आज के लिए भाई सभी लोगों को।